तो उपचाची प्रखंड के जीटी रोड पर इन दिनों खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करने वाले अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। बीते दिनों कुछ डीजल चोर तोपचाची के साहो बहियार स्थित एक निजी होटल के पास खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करने के दौरान होटल के गार्ड चौबे ने रोका तो अपराधियों ने गार्ड के ऊपर फायरिंग कर दी। अपराधियों ने गार्ड के ऊपर 3 से 4 फायरिंग की, लेकिन गार्ड को सिर्फ एक ही गोली उसके बांह के आर पार हो गई। खून से लथपथ गार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। तोपचाची पुलिस को सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। घटना रात के 2 बजे की है। आर पार किधर से हुआ? अच्छा, उधर से हुआ आर पार ना। कितना बड़ा गोली था अभी तुमने देख पाया ना? नहीं तो हम कैसे देख पाएगा। हां छोटा अच्छा, ये पिस्टल से मारा था कि बड़ा था? ये तो हम नहीं जानते हैं, वहां चल रहा था, हमको अंदाजा नहीं। फायरिंग किया होगा लोग? कितना फायरिंग किया होगा लोग? 3-4 फायरिंग। 3-4 फायरिंग किया था और सब तुम्हारे ऊपर किया? अब इधर उधर मार रहा था, हम अपना दौड़ दिए, अपना जान बचाने। मतलब तुम उन लोगों को क्या बोला था? हम उन लोग मेरा होटल का आगे ठो में डीजल चोरी कर रहा था, ठीक है, तो हम तो गार्ड थे, तो गार्ड का नियम होता है, जिम्मेदारी होता है देखना। हम देखने गए तो उधर से गोली चलने लगा, बस अपना जान बचाने का चक्कर में भाग गए। अच्छा अच्छा, वो लोग कितना आदमी था कम से कम देखा होगा? 2-3 आदमी था। 3-4 फायरिंग किया वो लोग? पुलिस को तुम दिया? पुलिस आया था, तभी आया था, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ सब जाँच करवाने से आ जाएगा। चलो, क्या कर रहा था वो लोग वहाँ पर? डीजल चोरी कर रहा था ट्रक व्रक से।